हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मेरा ख्याल है आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम मैथ्स का ये चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आपका सिंबल है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के बारे में पढ़ेंगे। आपने जितना नीचे आप नंबर देख रहे हैं और बीच में आप डब्बा देख रहे हैं, इसमें ये सारे सिंबल पुट होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू। इसमें से कौन सा सिंबल लगेगा वो हम आगे चल के देखेंगे, बताती हूँ आगे। लेट्स वी सी। यहाँ पर आपने देखा कि सिंबल्स लगे हुए हैं जिसमें आपने देखा सबसे ऊपर लिखा हुआ है ग्रेटर देन। अब हम कैसे पहचानेंगे सिंबल किस चीज़ का है, ग्रेटर देन का कैसे है? जिस सिंबल का मुंह आगे से खुला हुआ है वो हमारा ग्रेटर देन है। और नीचे आइए, लेस देन। लेस देन ये सिंबल कैसा है? इस सिंबल में आपने देखा कि जिस तरफ लेस देन लिखा हुआ है उस तरफ का मुंह बंद है, यानी लेस देन जो खुला हुआ है, लेस देन कौन सा, जो मुंह बंद है वो लेस देन है और जिस साइड का मुंह खुला हुआ है वो हमारा ग्रेटर देन है। उसके नीचे देखिए इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है। जो नंबर, अगर दोनों साइड का नंबर जो है वो बराबर होगा, इक्वल होगा, तो हम वहां पर सिंबल किस चीज का लगाएंगे, इक्वल टू का लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आते हैं यहाँ आगे, ग्रेटर देन। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, हमने यहां पर नंबर, एक नंबर लिखेंगे। सपोज हमने यहां पर लिखा टू और यहां पर हमने लिख दिया फाइव। अब बीच में आप बताओ किस चीज का सिंबल हमारा लगेगा, कौन सा ग्रेटर है, टू या फाइव? ग्रेटर मीन्स बड़ा, तो कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमारा यहाँ पर नंबर है फाइव बड़ा, तो हम उस पर कौन सा सिंबल लगाएंगे, ग्रेटर देन का। यानी फाइव ग्रेटर है टू से, तो हमने ये सिंबल लगाया, जिस तरफ का मुंह खुला है वो आपका फाइव है और जिस तरफ का मुंह बंद है वो टू है, यानी टू लेस देन किससे, फाइव से है। फाइव ग्रेटर देन किससे है, टू से है। नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल, सिक्स थ्री, यहां पर हमने थ्री लिखा। अब आप बताइए किस चीज का सिंबल लगेगा, किस साइड का, तो आप देखो कंपेयर करो थ्री बड़ा है या सिक्स बड़ा है, तो यहां पर सिक्स बड़ा है, तो हम किस तरह का सिंबल लगाएंगे, ये हमारा सिंबल लग गया इस तरफ, ये हमारा, तो थ्री लेस देन। हम हमेशा राइट साइड के नंबर को देखकर कंपेयर करते हैं तो अपोजिट नंबर से, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा थ्री जो है वो लेस देन है सिक्स से, तो हमारा सिंबल लग गया, यानी हमें थ्री को रिप्रेजेंट करना है लेस, तो हम सिंबल लगाएंगे ये वाला, तो इससे हमारा पता चला मुंह बंद है, यानी हमारा थ्री लेस देन है कंपेयर टू सिक्स। नेक्स्ट आते हैं टेन, दूसरा नंबर भी हम टेन ही लिखते हैं। अब बताइए इसमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है? इसमें कोई ग्रेटर कोई लेस नहीं है, दोनों इक्वल नंबर हैं, यानी दोनों बराबर हैं, तो हम इसमें इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। एग्जाम्पल ये। अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम बुक पर आते हैं। बुक पर यहाँ देखिए, बुक में यहाँ आप फर्स्ट में देखिए 60 और उसके अपोजिट है क्या है 50। अब इसमें कंपेयर करिए तो 50, हम राइट साइड को देख रहे हैं तो हमारा 50 क्या है, लेस देन टू 60, तो हम सिंबल कौन सा लगाएंगे, ये हमारा ग्रेटर लेस देन हो गया 60 से 50, तो हमारा ये हमने सिंबल लगाया लेस देन का, तो लेस देन का हमने लगाया, तो 50 हमारा लेस देन है 60 से और 60 ग्रेटर है किससे, 50 से। नेक्स्ट में आइए, यहाँ हम देखते हैं 29। चलो ये पहले देख लेते हैं, 15 जो है वो और 51 लिखा हुआ है, तो हम 51 राइट साइड वाला देखेंगे तो हमारा क्या है, 51 ग्रेटर है किससे, 15 से, तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये हमारा ग्रेटर देन का लगेगा, तो 51 ग्रेटर देन टू 15। इस तरह से नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक और नंबर देखते हैं हम,
अब यहाँ 36 वाला देखते हैं, यहाँ 36 है और अपोजिट में भी 36 है। तो अब यहाँ देखो कंपेयर आप करेंगे तो कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं, दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर बीच में कौन सा सिंबल लगाएंगे, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। इस तरह से ये आप सारा नंबर आप देख रहे हैं इसमें क्या हुआ, आपको ये सारा करना है और बताना है कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा इक्वल टू है। ये आपको करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। ओके बाय, थैंक। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप पे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके टेक केयर, बाय।